मैं अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं सुबह का टाइम रखूंगी तो जैसे जैसे इसको भी मैं कहीं और सेट करूंगी, सीधा यहाँ पे लगेगा। और बाकी भी मेरे पास सीनरीज वगैरह पड़ी हुई है, वो मैंने अभी लगाई नहीं है, वो अंदर पड़ी हुई है, तो ये भी मैंने अपनी मर्जी का लगाया है यहाँ पे। हाँ बेटे वो आज कहाँ चला गया? पापा वो मुझे छोड़ के चला गया था। अच्छा वेलकम टू माय चैनल अनम गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे नजर आ रही हूँ, मैं आई हूँ अपनी मामा के घर, क्योंकि पहले जो मैं घर दिखाती थी वो मेरे नाना का घर था और ये मेरी मामा का घर था, और मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए दोनों मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। और तो मैं कमरा वगैरह है वो मेरा पहले से ही यहाँ पे है, लेकिन मैंने उसकी सेटिंग वगैरह नहीं की थी, तो अब मैं अपना सामान लेके आई हूँ। तो चलते हैं और बेल देते हैं और सामान लेके मैं अंदर चलती हूँ। ये मेरा सामान है, सामान मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अब मैं बेल देती हूँ। मैं अनम सिस्टर ने दरवाजा खोल दिया और मैं चीज वगैरह पकड़ के तो मैं अंदर चल गया। जो मैं इधर रखती हूँ और बैग भी पकड़ लेती हूँ। अब मैं सामान लेकर अंदर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा ये पानी पी लो बेटे। अब मैं पानी पीने लगी, मामा ने मुझे जूस दिया तो मैं जूस पीने लगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। लाइट ऑन करती हूँ, ये देखें ये मेरा रूम है और मैं पहले सामान अंदर रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये मेरा रूम है और ये जो था ना ये मैंने अपनी मर्जी से ही सेट किया हुआ, लेकिन मैं यहाँ रहती नहीं ना थी तो इस यानी के को कंप्लीट नहीं किया था। तो ये देखेंगे वट इसके ऊपर गोल्डन मैंने खुद करवाया था और बाकी वो सीनरी भी मैंने इधर ये वाली इसलिए रखी थी तो ये गोल्डन है। ये आपने बर्थडे वाला व्लॉग देखा होगा तो ये मैंने मंगवा दिया था पहले उस दिन जब आए थे ना, तो मैंने कहा तब उस दिन भी आई थी तो मैंने इनके मंगवा दिया था रिंग लाइट और ये। और इसके अलावा ये शीशा अभी लगने वाला है और देन ये दोनों था ये इसको भी मैं कहीं और सेट करूंगी, शीशा यहाँ पे लगेगा। और बाकी भी मेरे पास सीनरीज वगैरह पड़ी हुई है, वो मैंने अभी लगाई नहीं है, वो अंदर पड़ी हुई है, तो ये भी मैंने अपनी मर्जी का लगाया है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, यहाँ से ये ऐसे बंद होता है, यहाँ से एंटर होते हैं और ये देखें यहाँ पे लाइट ऑन कर देते हैं, ये देखें ये सामान कुछ मामा ने रखा हुआ है, तो मैं तो इनसे फिर इसकी सेटिंग वगैरह करूंगी। और जो ऊपर है ये हाइटिंग खाली है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। हाँ जी ये खाली है तो इनमें मैं अपना सामान रखूंगी। हाँ जी ये देखिए मामा ने बस थोड़ा बहुत सामान जो था वो यहाँ पर रखा हो, तो मैं ऊपर स्टोर में रख दूंगी। और ये भी खाली ही होगा, ये खुल नहीं रहा मुझे। इसकी चाबी मामा के पास होगी वो मैं लेती हूँ
और इसके अलावा ये सात वॉशरूम है। मैं आपको दिखाती हूँ, यानी कि देखेंगे कबर्ड और इसके साथ ये वॉशरूम है साइड पे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसके इधर भी ड्रॉ बने हुए हैं, ये देखें, ये टिश्यू पेपर पड़ा हुआ। और इसके अलावा उसके नीचे ये ड्रॉ खाली है, किसी ने कुछ भी नहीं अभी रखा, वो मामा ने कुछ नहीं रखा, क्योंकि जब मैं यूज करूंगी तो मैंने कहा था मैं खुद ही दो रखना होगा, रख लूंगी। देन ये, और ये देखें, ये वॉशरूम है। अब मैं ये देखो, यहाँ से ये सामने कबर्ड है और ये मेरा फुल रूम है। और बाकी सीनरी वगैरह जो इंची है ना, वो मैंने अभी यहाँ पे लगानी। पहले तो मैंने कहा था ये शीशा यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे इस साइड पर लगाओ, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं सही रहेगा, ये वहीं पर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं, मेरे पास एक कोड है बहुत खूबसूरत मैंने रखी हुई सीनरी, तो मैं वो लगाऊंगी यहाँ पर। और ये जो इंची है ये इस वॉल पे लग जाएगी। आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो सामान वगैरह है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं सुबह के टाइम रखूंगी, तो जैसे जैसे मैं अपने अलमारी को सेट करूंगी, अपनी चीजें वगैरह रखूंगी और ज्वेलरी वगैरह मेकअप जो भी रखूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो सीनरी वगैरह जैसे जैसे जहां जहां लगेगी मैं वो भी आपके साथ अपडेट देती रहूंगी। और अब रात काफी ज्यादा हो गई हुई है, तो पापा जो उनसे हैं वो अब मेरे ख्याल में वो सो रहे हैं, तो अगर वो उठ गए तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। तो चलते हैं, पहले मैं देखते आती हूँ, मुझे पहले तो सो रहे थे, अगर उठे होंगे तो मैं आपको उतनी से बुलाती हूँ। ये मामा मयूर ये बना रही है, हालांकि मैं खाना खा के आई थी लेकिन मामा ने कहा नहीं चलो खा लो, तो ये मामा बना रही है। बेटे वो आज कहाँ चला गया? पापा मुझे छोड़ के चला गया था। अच्छा, मैं पापा आहत के साथ आई ना, तो मुझे वो छोड़ के फिर चला गया। बहुत अच्छी बात, चलो पापा ले। पापा सोए हुए थे तो फिर पापा ने देखा तो पापा उठ गए हुए थे, तो मैंने कहा चले हम दोनों मिलते चाय पीते हैं। चलो पापा चाय पी नहीं। आपको मेरा रूम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।